वेलकम टू वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्दी टिप्स विद सीता तमन्ना। आज मैं सिखाऊंगी आपको मसालेदार काले चने बनाने। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक छोले, ब्लैक चने। आप देख सकते हैं ये मैंने बॉईल कर लिए। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है और ये एक करछी मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब तेल को गर्म होने देते हैं। देखते हैं ये प्याज है, मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर दूंगी। इससे देख सकते हैं इस तरह से मैंने चॉपिंग की है, कितनी फाइन चॉपिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे वंडर शेफ का स्ट्रिंग चॉपर है, इससे बहुत ही जल्दी चॉपिंग हो जाता है, बहुत ही फाइन चॉपिंग होता है। आप मेरे चैनल पर जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। आप देख सकते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं इसी तरह फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट पीसती हूँ, इससे खाने का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ हींग। आप देख सकते हैं अब मैं इसमें जो मैंने ये चॉप किए हुए प्याज थे ये डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी इसमें अनियन। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी, ये मैंने दो हरी मिर्च काटे हुए। अब कुछ देर के लिए हम इसको भूनेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, तब तक भूनते रहेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता। ये मैंने आपको अभी दिखाया था, अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच। आप देख सकते हैं आप इसी तरह से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से चने बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसका बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। देखिए तीन टमाटर है, मैं इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसमें मैं एक चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करूंगी और इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी। इस तरह से इसको मिलाएंगे, आप देख सकते हैं मसाला मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें जो हमने प्यूरी रेडी की थी तैयारी, आप देख सकते हैं टमाटर मैंने पीसे थे तीन, अब इस पर ऐड कर देते हैं इसको। सोने देते हैं टमाटर को, पकने देते हैं। मैं इसके ऊपर सॉल्ट ऐड करूंगी, नमक मैं कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था चनों को। इस तरह से टमाटर को पकने देते हैं कुछ देर के लिए, इसको ढक के रख देते हैं। इस तरह से ढक देते हैं कुछ देर के लिए। अब हम खोल के देखते हैं, हमारे टमाटर भून चुके हैं, हमारा मसाला चने का मसाला आप देख सकते हैं, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला परफेक्ट है। अब इसमें मेरी सीक्रेट रेसिपी ऐड करेंगे, 5 टिप्स। अब हम इसमें आधा चम्मच शुगर ऐड करेंगे, आधा चम्मच चीनी, इससे जो हमारा ये ग्रेवी है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह से, और आपका जो नेचुरल कलर है वो भी बरकरार रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा मसाला भून चुका है। अब ये देख सकते हैं ये हमारे बॉयल चने हैं, ब्लैक चने। अब हम इसका ऐड कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं अब ये जो ब्लैक चने डाले हैं हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो चने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, मैं करने वाली हूँ। इस पे मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी और अब हम इसको ढक के पकाएंगे कुछ देर तक हम चनों को ऐसे ही पकाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से चने में मिल जाए। इस तरह ढक के हम चनों को 7 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसके बाद चेक करते हैं।
अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारे काले चने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और जो मसाले हैं वो भी चने में अच्छी तरह से मिल चुका है। आप देख सकते हैं हमारे चनों में मसाला मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच गरम मसाला और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चना मसाला। इसे खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसको मिक्स करते हैं और 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। चलिए अब हम आपको सर्व करके बताते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मसालेदार काले चने बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे इस तरह से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए हेल्दी टिप्स और नए नए हेल्दी रेसिपीज लाती रहूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And